नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जी राजस्थान में। मैं आपके साथ खुशबू खाना बात करेंगे। प्रदेश में किसानों की 5 एकड़ भूमि पर गरमाई सियासत। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मामले पर सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, कहा हमारी सरकार ने राज्यपाल को केंद्र सरकार से अनुमोदन के लिए भेजा था। बीजेपी ने घोषणा पत्र में जमीन नीलामी रोकने की बात कही थी, लेकिन हनुमानगढ़ के अखबारों में जमीन नीलामी के विज्ञापन छपे। अशोक गहलोत के सोशल मीडिया एक्स पर मंत्री गौतम दत्त ने कहा है कि प्रकरण में परीक्षण के निर्देश दिए। राज्य सरकार के स्तर पर इस प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई। किसान की कोई कृषि जमीन नीलामी नहीं होने देंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी आशीष चौहान फोनलाइन पर जुड़ गए। आशीष, पूरा मामला समझाइए और ये जो ट्वीट के बाद जिस तरह से ये देखा जा रहा है, आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए हैं, इसको कैसे देखा जाए? देखिए, अशोक गहलोत ने किसानों की 5 एकड़ कृषि भूमि को लेकर ये ट्वीट किया है और पूरा जो ट्वीट है वो अशोक गहलोत ने 2020 में जो विधानसभा में बिल पारित हुआ था उसको लेकर किया है। इसमें उन्होंने ये कहा है कि राज्यपाल को हमारी सरकार ने केंद्र सरकार से ये अनुरोध किया था कि जो कृषि भूमि नीलामी हो रही है उन्हें नीलामी रोकने के लिए हमारी सरकार ने ये कदम उठाए थे। लेकिन अशोक गहलोत ने दूसरा ट्वीट करते हुए कहा है कि जमीन नीलामी करने के लिए जो हनुमानगढ़ में ये विज्ञापन छपे हैं उससे मोदी की गारंटी की सच्चाई उजागर हो रही है। उनके ट्वीट पर जो राजस्थान सरकार में सहकारिता मंत्री है गौतम कुमार दत्त, उन्होंने ये पलटवार करते हुए कहा है कि हम किसी भी किसान की जो कृषि भूमि है उसका नीलामी नहीं होने देंगे। राजस्थान सरकार के स्तर पर इस प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई है। प्रकरण का परीक्षण कराया जा रहा है और जिस तरीके से जो चुनावी मौसम के बीच में जो किसानों की नीलामी का मुद्दा गरमा गया है, तो एक बार फिर से किसान जो है वो राजनीति का अखाड़ा बन गया है, क्योंकि जिस तरीके से अभी तक केंद्र सरकार ने ये अनुमोदन नहीं किया है और अशोक गहलोत ने ट्वीट करके ये मुद्दा भी उठाया है कि केंद्र सरकार ने अभी तक इसकी मंजूरी नहीं मिली है, इसलिए राजस्थान की भजनलाल सरकार को ये विधानसभा में पारित करते हुए बिल का केंद्र सरकार से अनुमोदन कराना चाहिए जिससे किसानों को राहत मिल सके, क्योंकि एक बार फिर से जो किसान है वो राजनीति के अखाड़े में सियासत गर्मा गई है। अब ऐसे में देखना होगा कि राजस्थान सरकार इसमें कब तक संज्ञान लेगी। देखिए, हालांकि अभी आचार संहिता लगी हुई है तो विधानसभा भी अभी शुरू नहीं है, तो ऐसे में ये जो बिल जो अनुमोदन है वो प्रक्रिया बाद में होगी, लेकिन इसका परीक्षण करवाया जा रहा है कि आखिरकार ये विज्ञापन कैसे जारी हुआ, कहां से जारी हुआ और क्यों जारी हुआ और किस परिप्रेक्ष्य में जारी हुआ, इसका अध्ययन राजस्थान सरकार करा रही है। लेकिन फिलहाल किसानों पर राजनीति एक बार फिर से राजस्थान में गर्मा गई। जी ठीक, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आशीष, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।